अल्लाह ने चाहा तो खुश होगी तुम, और मेरी भी पहले मंगनी हुई थी, वो टूट गई जो मेरी जुनैद से शादी हो गई। पिछले मंगेतर से तो लाख दर्जा बेहतर है जुनैद। तुम्हारी मंगनी हुई भी थी पहले? पसंद की थी? हाँ, छपड़ू सा था, फजूल में बस मैंने पसंद कर लिया, धोखा दिया उसने। मैंने भी उसकी शादी में घुस के मारा उसको। शादी में मारा तुमने उसे? मैं उस रोज मीना के साथ आई थी आपसे मिलने, मगर बदकिस्मती से माहौल एकदम खराब हो गया और आपसे मिल भी नहीं सकी। समझ में नहीं आ रही एक बात, तुम कह रही हो कि तुम मीना की दोस्त हो, मिलने तुम मुझसे आई हो, चक्कर क्या है? ये कहीं तुम्हें मीना ने तो यहाँ नहीं भेजा है कोई तावीज वावीज गाड़ने के लिए? नहीं नहीं तौबा करें, क्या आप मुझे ऐसा समझती हैं? शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, मगर मेरा आना जरूरी था, मुझे आपसे बात करनी थी। अरे आप अम्मी की बात का बुरा नहीं माने, उनका ये मतलब नहीं था। नहीं नहीं सफीना बाजी बड़ी हैं, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना, मगर हाँ मुझे थोड़ा दुख जरूर हुआ। बीबी साफ साफ बात करो या पहेलियां मत बुझवाओ, क्यों आई हो यहाँ? मुझे आपकी बेटी निदा अच्छी लगती है, मैं अपने भाई के रिश्ते की बात करना चाहती थी आपसे। मेरा भाई आला तालीम याफ्ता है, अच्छी जॉब पर है, आप जैसे चाहे तसल्ली कर सकती हैं सफीना बाजी। निदा जाओ जरा चाय बनाओ जाकर, और साथ में जो केक बिस्किट रखे वो भी लेकर आओ। बल्कि सुनो, वो जो फ्रीजर में कबाब रखे हैं ना वो भी तलके हो जाओ। अरे नहीं नहीं ये सब रहने दे, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, खाते तवाजो करना तो मेरी आदत है, पूरे खानदान में मशहूर हूँ मैं इस वजह से। निदा जाओ ना। जी जी मैं जा रही हूँ। हाँ क्या कह रही थी तुम अपने भाई के बारे में? जी मैं तस्वीर लेकर आई हूँ, वैसे तो आप जब चाहे तसल्ली कर सकती हैं, मिलने मिलने आ सकती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई तो खूबसूरत है तुम्हारा, मगर एक शर्त है मेरी, जब तक निदा का रिश्ता तुम्हारे भाई से तय नहीं हो जाता ये बात तुम मीना को नहीं बताओगी, वादा करो मुझसे। जी ठीक है वादा। मुझे तो बहुत तरस आया बेचारी हुसनारा पर, इतना दुख है उसे अपनी शादी टूटने का, पता है? ये फारिस भी ना बड़ा ही बेकार किस्म का शख्स है, धोखेबाज, झूठा, कमीना कहीं का। पर क्या पता कोई मजबूरी हो, कई बार ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो हम नहीं चाहते। क्या पता असल वजह कुछ और। मर्द हो ना तुम, तो फारिस की ही साइड लोगे, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, मतलब परस्त कहेंगे। सुनारा की तो परवाह ही नहीं है किसी को। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं लेकिन कल तक तो तुम, खैर छोड़ो। मैंने भी यही समझाया उस सनारा को, दफा करें फारिस को, अल्लाह ने चाहा तो बेहतर लड़का मिल जाएगा, जैसे मुझे भी मंगनी टूटने के बाद जुनैद मिल गया था, इस बिलाल से तो लाख दर्जा बेहतर है ना। मैं तुम्हारी नजर में किसी से बेहतर भी हो सकता हूं, मजाक कर रही हो क्या? खैर मैं तैयार होता हूं। क्या मतलब कहीं जा रहे हो? हाँ वो एक साहब के साथ डिनर पे जाना है।